क्या लूँ क्या लूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है गाइज। आज मैं आया हूँ दही सर, और जिस शॉप में मैं अभी अवेलेबल हूँ ना गाइज, उस शॉप का नाम है खास पराठा। तो हम बस वही जानने आए कि इस पराठे में क्या खास बात है। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और भी वैरायटी में यहाँ पे फूड मिलता है, जैसे कि पाव भाजी हो गया, वेज तवा पुलाव हो गया, और पराठे में तो वैरायटी वैरायटी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस वैरायटी में क्या खास बात है, आइए। तो यार हम लोग तो पहुँच चुके हैं अभी किचन में, जिसकी हमें तलाश थी। यहाँ पे कुछ पराठे बन रहे हैं, जिसमें से शुरुआत होने वाली है खास पराठे की। पराठे का नाम है खास पराठा, तो आइए देखते हैं। मैं तो यार पहली बार देख रहा हूँ पराठा बनते हुए कोई रेस्टोरेंट में, बढ़िया। यार साइज देख सकते हो आप पराठे का, हाँ हाँ ये गया तवे पे। वाह, देख सकते हो अभी क्या जाना है इसमें बाकी। ये रेडी हो चुका है, रेडी हो गया पराठा, रेडी। ओके गाइस, ये देखिए अभी इनका पराठा कट होगा लाइक पिज्जा जैसा। हाँ हाँ, गर्मा गर्म। वाह ये देखिए, ये इनका पराठा। तो यार जैसा कि भी आपने देखा, खास स्पेशल पराठा बनते हुए, तो हम सोचा कि जगह पे ट्राई किया जाए। तो गाइस ये देखिए, ये इनकी थाल, पराठा थाल बोल सकते हैं, खास स्पेशल थाल। और ये रहा पराठा, और मैं बता दूँ इसमें आता है पंजाबी छोले। ये देखिए गाइस, ये है पंजाबी छोले, ये है दाल मखनी, और यह है वेजिटेबल रायता। तो चलिए यार मैं तो दाल मखनी से स्टार्ट करूँगा इनका पराठे के साथ। हाँ गर्मा गर्म, हाँ दाल मखनी। और गाइस इनकी दाल मखनी में ना राजमा भी है। अगर इतना अच्छा पराठा होगा तो क्यों नहीं दिन में इतना सारे जाते, इतने सारे पराठे क्यों नहीं जाएंगे यार। जैसे कि अंकल ने बताया कि उनकी शिफ्ट में 200 के आसपास पराठे चले जाते हैं। मस्त पराठा है सीरियसली। अब चलो बारी है पंजाबी छोले की। ये भाई एक स्पून मिलेगा, एक चम्मच। ये रहे इनके पंजाबी छोले, टेस्ट एकदम हटके भाई, यानी कि मस्त है। लाओ और इसमें इन्होंने अचार भी यार काफ़ी बोलते ना भर के दिया है। इसमें आता है अचार, और ये इनका सलाद। और गाइस मैं बता दूँ, इस डिश सिर्फ 170 रुपये की, यानी कि 170 की ये डिश है क्या नहीं बेहतर। आपका पराठा और तीन तीन वैरायटी में मज़े यार। चलो अभी देखते हैं वेजिटेबल रायते में क्या क्या है। भाई रायते में ककड़ी है ना, ककड़ी और टमाटो, मस्त है भाई। अब ना और भी कुछ मैं ट्राई करूँगा यार, मस्त लगा यार इनका पराठा, स्पेशल खास पराठा। तो यार एक बार फिर से आपका स्वागत है किचन में। तो गाइस जैसा कि अभी देखा आप लोगों ने, मैंने खाया खास पराठा, जो कि रियली में बहुत खास था।
अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ चीज़ चिली गार्लिक पराठा। आइए देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करिए। ठीक है चिली। अरे यार डरा रहे हो लोग तो। भाई चिली कम डालना, थोड़ा स्पाइसी कम खाता हूँ मैं। ये है गार्लिक, ओके। और ये रहा इनका चीज़। चीज़ कौन सा भाई ये? चीज़ ब्लॉक। चीज़ ब्लॉक, ओके। वाह बहुत ही भर के इन्होंने चीज़ डाला इसमें। आहा। और भाई वैसे स्टाफ कितने आपके पास? हाँ भाई कितने टोटल स्टाफ है? टोटल 18 स्टाफ है इनके पास। और ये देखिए पराठा बन रहा है, चीज़ चिली पराठा। वाह वाह, आई थिंक रेडी हो चुका है। वाओ गाइस दिख रहा है कुछ अंदर चीज। आइए देखते हैं कैसा कट करते हैं। ये देखिए गाइस ये इनका चीज गार्लिक पराठा। बहनों और भाइयों ये देखिए बन रहा है बटर वेज तवा पुलाव। टमाटो, मटर, ये क्या है भाई? येलो येलो गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट, ओके। एकदम येलो दिखा ना वो इसीलिए। और ये देखिए इसमें जा रहे हैं काफ़ी तरीके के मसाले। आहा और ये देखिए अमूल बटर। आहा वाह ये देखिए बासमती राइस। वाओ मजा आ जाएगा यार। तो भाई रेडी हो चुका है। वाह बढ़िया। और भी कुछ जाना बाकी है इसमें? हो गया
ये देखिए इनका वेज पुलाव, तवा पुलाव। तो यार वापस से एक बार फिर से खाने बैठा हूँ। थोड़ी देर पहले गाइस मैंने खाया था खास स्पेशल पराठा, और भी मैंने कुछ ऑर्डर दिया है, देखिए और भी बोले तो बहुत कुछ है। तो भाई ये पराठे का नाम चीज़ चिली गार्लिक। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा बनते हुए, इसमें तो काफ़ी चीज़ भरा हुआ है और गार्लिक और चीज़ भी है। और ये रही इनकी पाव भाजी जो कि आप लोगों ने देखा मस्त तरीके से बनाया है। और ये है इनका वेज, कौन सा पुलाव है, वेज तवा पुलाव। और ये रहा इनका स्टार्टर जो कि इन्होंने सिर्फ मुझे दो दो पीस एज अ टेस्ट करने के लिए दिया है। वैसे तो अगर आप परचेस करना चाहो तो 6 पीस से कम नहीं मिलेंगे। तो भाई ये कबाब कौन सा कबाब है, हरा भरा वेज कबाब। और ये चीज कॉर्न स्टिक्स। तो गाइज ये है इनका चीज कॉर्न स्टिक, देखेंगे इसमें कितने चीज़ें कितने कॉर्न है। और ये पॉपर्स, क्या भाई जलपेनो पॉपर्स। तो गाइज आइए देखते हैं टेस्ट कैसा है इनका। तो मैं शुरुआत करूँ तो भाई आप ही बताइए अब मैं शुरुआत किससे करूँ। तो चलिए यार ये रहा इनका पराठा, चिली चीज़ पराठा, चीज़ चिली गार्लिक पराठा। तो ये रहा इनका टमाटो को चप, भाई मुझे टमाटो को चप और दे देना थोड़ा। ये देखिए भाई लाजवाब है, तो मुँह से पानी आ रहा है मेरे, बढ़िया। और ये पराठा है सिर्फ 110 रुपीज़ का गाइस, अच्छा है, मस्त है, खाने में मज़ा आ रहा है, और क्या चाहिए। यार पराठा तो मज़ा आ गया खा के, अब मैं पाव भाजी टेस्ट करूँगा। तो चलिए अब बारी है इसकी, ये देखिए पाव भाजी। मस्त है, एकदम मिक्स वेज भाजी जैसा फुल टेस्ट है। एक बाइट और, ये इनकी पाव भाजी है गाइस सिर्फ 120 रुपीज़। अगर और दो पाव लेना चाहो तो 20 रुपीज़ और बढ़ा दो। तो ये रहा मेरा स्टार्टर, अब मैं ट्राई करूँगा स्टार्टर। तो पहले तो गाइस ये रहा इनका हरा भरा कबाब, चलिए देखते हैं क्या है हरे भरे कबाब में। ये तो भाई एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है, इधर आइए ना बताइए ना। पालक रहता है, मिक्स मसाला रहता है, पालक रहता है, मिक्स मसाला रहता है, कॉलीफ्लावर रहता है। बस तो मतलब ये आप खुद यहाँ पे हैंडमेड आप खुद बनाते हो या फिर खाली पैकेट से निकाल के फ्राई करते हो? ये खुद आप बनाते हो। तो चलिए देखते हैं कि इनका टेस्ट क्या बोलता है। थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी है, पालक का एक टेस्ट आ रहा है। अच्छा है ये वेज कॉर्न स्टिक राइट, चीज चीज कॉर्न स्टिक। यार इतने सारे वैरायटी है तो आज थोड़ा मैं बफल गया हूँ। सही में इसमें चीज़ भी है, कॉर्न भी है, और ये एक स्टिक जैसा है। तो चलिए ये मस्त है, बढ़िया। भाई इसका नाम मैं फिर भूल गया, चीज़ जलेपिनो पॉपर्स। आइए यार इसमें भी चीज़ है, और हाँ इसमें भी जेलीपिनो है,
ये देखिए है जलेबी और ये है पूरा पॉपर्स। है यार बहुत सी वैरायटी मिलेगी यहाँ पे, आप आओ और अपना फूड चूज़ करो कौन सा खाना है, क्योंकि काफ़ी वैरायटी में पराठे हैं इनके पास। और जो अभी मैंने दो पराठे खाए दोनों एक नंबर बोले तो लजीज, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। अब बारी है मेरे पुलाव की, तो ये देखिए ये इनका वेज तवा पुलाव। तो इसमें काफ़ी इन्होंने डाला इंग्रेडिएंट्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ। बासमती राइस है भाई, मस्त है। वैसे तो इन्होंने दिया है वेज, इस शॉप का नाम है खास पराठा, सभी चीज़ खास है यार, मजाक है मुझे यहाँ पे आके, सब आइटम रहा है। एक नंबर लगा। तो यार यहाँ पे आके दबा के खा के मज़ा आ गया। ये रहे शॉप के ओनर। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम अविनाश हुआ है, मैं रेस्टोरेंट के मैनेजर हूँ और मैं ही इधर संभालता हूँ। तो आपने पराठा खाया, आपको कैसा लगा पराठे? देखिए ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे इनसे दो चार क्वेश्चन पूछना था यार। मैं तो सिर्फ पराठा नहीं, बहुत सी चीज़ खाया, पाव भाजी खाया, आपका चीज़ गार्लिक पराठा ये खाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो फर्स्ट वाला मैंने खाया स्पेशल पराठा वो भी बहुत मस्त था, और वेज पुलाव वो भी रावस, और ये आपका जो स्टार्टर थे ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अब मैं कुछ पूछता हूँ, आपका शॉप कितने बजे ओपन होता है और क्लोज कितने बजे होता है सर? मेरा ये शॉप सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 तक कंटिन्यू ही चालू रहता है। अरे वाह, आप कभी भी आके खा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा पराठे मेरे स्पेशल हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पराठे मेरे, तब अपने चॉइस से कोई भी पराठे लो, सभी पराठे हमारे फेमस हैं। तो सर अभी इतना बताइए कि आपकी ये शॉप को कितना टाइम हो गया है? ये शॉप मेरा लगभग 3 साल हो गया है, इसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है मुझे, लोगों को पराठे पाव भाजी पुलाव बहुत पसंद आ रहे हैं। और इसके अलावा जोमेटो स्विगी से बहुत सारे मेरे ऑर्डर हैं, आप देख सकते हैं सामने अभी तक का जोमेटो को कितना ऑर्डर गया स्विगी का। हाँ यहाँ पे बहुत से जोमेटो स्विगी के भी ऑर्डर आते रहते हैं कंटिन्यू, जैसा कि हमने यहाँ पे आए ऑर्डर दिया और पेट भर के खाना खाया और बहुत सारी मस्ती की। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। तो सर हम इतना चाहेंगे कि आप बोलिए कि स्ट्रीट फूड जायका को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कौन सा? स्ट्रीट फूड जायका को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।